दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत दुनिया में काजू और पीनट्स यानी मूंगफली इन दोनों के प्रोडक्शन में सेकंड नंबर पर है। इसके अलावा भारत सुपारी और मखाना के प्रोडक्शन में पहले एंड रेजिन्स यानी किशमिश के प्रोडक्शन में पांचवें नंबर पर और दूसरे कई सारे ड्राई फ्रूट्स और नट्स के मेजर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर कंट्रीज में आता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के ड्राई फ्रूट्स और नट्स के प्रोडक्शन के बारे में। अगर आपने हमारे भारत के फ्रेश फ्रूट्स के प्रोडक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन से जरूर देखिए। दोस्तों, माय नेम इज फैनिल एंड आपने अभी ज्वाइन किया है द ग्राफिक अर्थ। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पसंद है तो क्यों ना आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों, भारत के ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री 2020 के एस्टिमेशन के मुताबिक 30,000 करोड़ रुपए की है, जो 2016 में 15,000 करोड़ रुपए की थी। यानी सिर्फ 4 साल में ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री की वैल्यू डबल हो गई है और भारत की ये इंडस्ट्री काफी तेजी से ग्रो कर रही है। भारत सूखे मेवों में नट्स के प्रोडक्शन में दुनिया में पांचवें नंबर पर है। दोस्तों, नट्स की कैटेगरी में काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ताशियो जैसे सूखे मेवे आते हैं। नट्स के प्रोडक्शन में पहले नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, जहां दुनिया के टोटल नट्स प्रोडक्शन में से करीबन 38% नट्स का प्रोडक्शन होता है। सेकंड है तुर्की, जहां दुनिया का करीबन 11% और थर्ड चाइना में 10% नट्स का प्रोडक्शन होता है। इनके अलावा ईरान में 6% और पांचवें नंबर पर मौजूद हमारे इंडिया में दुनिया के टोटल नट्स प्रोडक्शन में से 4% का प्रोडक्शन होता है। और अगर बात करें ड्राई फ्रूट्स जैसे कि किशमिश, खजूर, अंजीर और ड्राइड बेरीज की, तो इनके प्रोडक्शन में भी यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पर है, जो कि दुनिया के टोटल ड्राई फ्रूट प्रोडक्शन में 16% का हिस्सा रखता है। सेकंड नंबर पर है तुर्की, जो दुनिया के 15% और थर्ड ईरान, दुनिया के 12% ड्राई फ्रूट्स का प्रोडक्शन करता है। इनके अलावा सऊदी अरेबिया और चाइना भी दूसरे मेजर ड्राई फ्रूट्स प्रोड्यूसर्स है। दोस्तों, भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा ड्राई फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पर है हरियाणा और थर्ड है तमिलनाडु। इनके अलावा भारत के टॉप 10 लार्जेस्ट ड्राई फ्रूट प्रोड्यूसिंग स्टेट है पंजाब, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल। दोस्तों, अब बात करते हैं डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स की। सबसे पहले बात करते हैं कैश्यू नट्स यानी काजू की। दुनिया में वियतनाम सबसे बड़ा कैश्यू प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जहां एनुअली करीबन 27 लाख टन काजू का उत्पादन होता है, जो कि दुनिया के टोटल प्रोडक्शन में 44% का हिस्सा रखता है। दूसरे नंबर पर है हमारा भारत, जहां एनुअली करीबन 8.3 लाख टन काजू का उत्पादन होता है, जो कि दुनिया के टोटल प्रोडक्शन में 13% का हिस्सा रखता है। और थर्ड है अफ्रीकन कंट्री आइवोरी कोस्ट, जहां एनुअली करीबन 6.8 लाख टन यानी दुनिया के टोटल प्रोडक्शन में से 11.5% कैश्यूज का प्रोडक्शन होता है। इन सबके अलावा फिलीपींस और अफ्रीकन कंट्री बेनिन भी दूसरे मेजर कैश्यू प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। भारत में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा काजू का उत्पादन करता है। अकेला महाराष्ट्र ही हर साल 2.7 लाख टन काजू का उत्पादन करता है, जो कि भारत के टोटल प्रोडक्शन में 32% का हिस्सा रखता है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काजू कोंकण रीजन, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़ और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में होता है। महाराष्ट्र के अलावा आंध्र प्रदेश में 14% और ओडिशा में 12% भारतीय काजू का उत्पादन होता है। इन सबके अलावा कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु भी दूसरे मेजर कैश्यू प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। और अगर बात करें कैश्यूज के एक्सपोर्ट की, तो जैसे कि वियतनाम सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, इसलिए वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। वियतनाम दुनिया के टोटल कैश्यू एक्सपोर्ट में 57% का हिस्सा रखता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो टोटल कैश्यू एक्सपोर्ट में 17% का हिस्सा रखता है। इनके अलावा आइवोरी कोस्ट, घाना और ब्राजील भी दूसरे मेजर एक्सपोर्टर्स है। भारत अपना ज्यादातर काजू साउथ कोरिया, चाइना, स्पेन, यूनाइटेड स्टेट्स और बेल्जियम को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं मूंगफली की। भारत मूंगफली के उत्पादन में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर मौजूद चाइना में एनुअली करीबन 1,66,00,000 टन मूंगफली का प्रोडक्शन होता है, जो कि दुनिया के टोटल प्रोडक्शन में 40% का हिस्सा रखता है। सेकंड, भारत में एनुअली करीबन 90,00,000 टन मूंगफली का प्रोडक्शन होता है, जो कि दुनिया के टोटल प्रोडक्शन में 21% का हिस्सा रखता है। और थर्ड है नाइजीरिया, जहां दुनिया के टोटल मूंगफली प्रोडक्शन में से 9% का प्रोडक्शन होता है। इनके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स, सूडान और म्यांमार भी दूसरे मेजर पीनट्स प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। दोस्तों, भारत में गुजरात पीनट्स का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। अकेला गुजरात ही 39,00,000 टन मूंगफली का प्रोडक्शन करता है, जो कि भारत के टोटल प्रोडक्शन में 43% का हिस्सा रखता है। गुजरात का ज्यादातर पीनट
पीनट्स का उत्पादन जूनागढ़, अमरेली, राजकोट, भावनगर, जामनगर और साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट में होता है। दोस्तों, गुजरात के अलावा राजस्थान में 13% और आंध्र प्रदेश में 11% भारतीय पीनट्स का उत्पादन होता है। इन सब के अलावा तमिलनाडु, कर्नाटका और मध्य प्रदेश भी दूसरे मेजर पीनट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। और अगर बात करें पीनट्स के एक्सपोर्ट की, तो अर्जेंटीना दुनिया का सबसे बड़ा पीनट एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जो टोटल पीनट एक्सपोर्ट में 20% का हिस्सा रखता है। सेकंड 17% के साथ यूनाइटेड स्टेट्स और थर्ड 14% के साथ हमारा इंडिया है। भारत एनुअली करीबन 444 बिलियन डॉलर के पीनट्स का एक्सपोर्ट करता है। भारत अपना ज्यादातर पीनट्स का एक्सपोर्ट इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और मलेशिया को करता है। बात करते हैं बादाम की। दुनिया में एनुअली करीबन 32 लाख टन बादाम का प्रोडक्शन होता है। उसमें से 20 लाख टन आलमंड्स का प्रोडक्शन अकेला यूनाइटेड स्टेट्स में ही होता है, जो कि दुनिया के टोटल प्रोडक्शन में 62% का हिस्सा रखता है। सेकंड स्पेन में 5% और थर्ड ईरान में 3% बादाम का प्रोडक्शन होता है। इनके अलावा मोरक्को, सीरिया और तुर्की भी दूसरे मेजर प्रोड्यूसर्स है। भारत आलमंड्स का मेजर प्रोड्यूसर नहीं है, लेकिन भारत में एनुअली 14,000 टन आलमंड्स का प्रोडक्शन होता है। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे ज्यादा बादाम का उत्पादन करता है। अकेला जम्मू कश्मीर 13,000 टन यानी भारत का 95% बादाम का प्रोडक्शन कर लेता है। जम्मू कश्मीर का ज्यादातर बादाम का प्रोडक्शन पुलवामा, बडगाम और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में होता है। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश भारत के 5% आलमंड्स का प्रोडक्शन करता है। बात करें आलमंड्स के एक्सपोर्ट की, तो यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेन ही दुनिया के मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। यूनाइटेड स्टेट्स विद 74% एंड स्पेन विद 15%। भारत को बादाम का इंपोर्ट करना पड़ता है। भारत अपना ज्यादातर आलमंड्स यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेन से खरीदता है। नेक्स्ट है अरेका नट यानी सुपारी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सुपारी का प्रोड्यूसर है। भारत में एनुअली 9 लाख टन सुपारी का प्रोडक्शन होता है, जो कि दुनिया के टोटल प्रोडक्शन में 52% का हिस्सा रखता है। सेकंड है बांग्लादेश जहां 3 लाख टन यानी 17% और थर्ड है इंडोनेशिया जहां 1.5 लाख टन यानी दुनिया का 9% सुपारी का प्रोडक्शन होता है। इनके अलावा म्यांमार, ताइवान और श्रीलंका भी दूसरे मेजर प्रोड्यूसर्स है। भारत में कर्नाटका सबसे ज्यादा सुपारी का प्रोडक्शन करता है। कर्नाटका में हर साल करीबन 5 लाख टन सुपारी का प्रोडक्शन होता है, जो कि भारत के टोटल प्रोडक्शन में 63% का हिस्सा रखता है। कर्नाटका का ज्यादातर सुपारी का प्रोडक्शन चिकमंगलुरु, शिमोगा, दावणगेरे, दक्षिण कन्नड़ा, तुमकुर, चित्रादुर्ग और उत्तर कन्नड़ा में होता है। कर्नाटका के ये 7 डिस्ट्रिक्ट ही उसके 91% सुपारी का प्रोडक्शन करते हैं। कर्नाटका के अलावा केरला में भारत का 16% और आसाम में 9% सुपारी का प्रोडक्शन होता है। इनके अलावा मेघालय, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा भी दूसरे मेजर प्रोड्यूसर्स है। दोस्तों, बात करें वॉलनट्स यानी अखरोट की, तो चाइना दुनिया का सबसे बड़ा वॉलनट्स का प्रोड्यूसर है। चाइना एनुअली 17 लाख टन अखरोट का प्रोडक्शन करता है, जो कि दुनिया के टोटल प्रोडक्शन में 50% का हिस्सा रखता है। सेकंड नंबर पर मौजूद यूनाइटेड स्टेट्स 17% और थर्ड ईरान 11% वॉलनट्स का प्रोडक्शन करते हैं। इनके अलावा तुर्की, मेक्सिको और यूक्रेन भी दूसरे मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। भारत में एनुअली करीबन 3.5 लाख टन वॉलनट्स का प्रोडक्शन होता है। अकेला जम्मू कश्मीर ही भारत का 80% यानी 3 लाख टन के करीब का उत्पादन करता है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग, कुपवाड़ा, कुलगाम और डोडा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा अखरोट का प्रोडक्शन होता है। जम्मू कश्मीर के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश भी दूसरे मेजर वॉलनट्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। और अगर बात करें वॉलनट्स के एक्सपोर्ट की, तो यूनाइटेड स्टेट्स सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जो कि दुनिया के टोटल वॉलनट एक्सपोर्ट में 25% का हिस्सा रखता है। इसके अलावा तुर्की, चीले और इटली भी दूसरे मेजर एक्सपोर्टर्स है। भारत 23वां सबसे बड़ा वॉलनट एक्सपोर्टर है, जो करीबन 5,277 टन वॉलनट्स का एक्सपोर्ट करता है। भारत अपना ज्यादातर वॉलनट्स का एक्सपोर्ट फ्रांस, यूके, जर्मनी और यूनाइटेड अरब अमीरात में करता है। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं रेजिन्स यानी किशमिश की। दुनिया में एनुअली करीबन 13 लाख टन किशमिश का प्रोडक्शन होता है। तुर्की सबसे बड़ा रेजिन प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जो करीबन 3 लाख टन यानी दुनिया का 23% किशमिश का प्रोडक्शन करता है। सेकंड यूनाइटेड स्टेट्स 17% और थर्ड चाइना 13% दुनिया के रेजिन्स का प्रोडक्शन करते हैं। भारत 5वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत में एनुअली करीबन 1 लाख
45,000 टन किशमिश का प्रोडक्शन होता है। दोस्तों भारत में जैसे कि महाराष्ट्र सबसे बड़ा ग्रेप्स का प्रोड्यूसर है, इसलिए महाराष्ट्र सबसे बड़ा किशमिश का भी प्रोड्यूसर है। जनरली टोटल फ्रेश ग्रेप्स के प्रोडक्शन में से 20% ग्रेप्स को सूखा के किशमिश बनाया जाता है। महाराष्ट्र के सांगली, सातारा एंड नासिक डिस्ट्रिक्ट और कर्नाटका के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा किशमिश का प्रोडक्शन होता है। दोस्तों इसके अलावा भारत फॉक्स नट यानी मखाना के प्रोडक्शन में भी टॉप पर है। भारत में अकेला बिहार ही 1,20,000 टन मखाना का प्रोडक्शन करता है, जो कि सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का 85% मखाना का प्रोडक्शन है। बिहार में ज्यादातर मखाना मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, किशनगंज और अररिया डिस्ट्रिक्ट में होता है। बिहार के अलावा थोड़ी मात्रा में मखाना वेस्ट बंगाल और आसाम में भी प्रोड्यूस होता है। भारत मखाना का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है, जो अपना ज्यादातर मखाना यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों इनके अलावा के पिस्ताशियो, अंजीर, एप्रिकोट और खजूर जैसे दूसरे ड्राई फ्रूट्स और नट्स का भारत में काफी कम मात्रा में प्रोडक्शन होता है, इसलिए भारत को ये सभी ड्राई फ्रूट्स दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना पड़ता है, जो भारत ज्यादातर तुर्की, ईरान, अफगानिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स से इम्पोर्ट करता है। तो दोस्तों आपको आज का ये ड्राई फ्रूट टूर कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ क्लिक कर हमारी अगली वीडियो भी जरूर देखिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।